भारत की विविधता जो औरों को भारत के लिए बोझ लगती थी, वो भारत की विविधता ही भारत की अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अतुट प्रवाह है। और दुनिया को पता नहीं था कि भारत के पास एक इनहेरेंट सामर्थ्य है, एक संस्कार सरिता है, एक मन मस्तिष्क का विचारों का बंधन है, और वो है भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और जिनके जहन में लोकतंत्र होता है, वे जब संकल्प करके चल पड़ते हैं, वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का कारण लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये एक अनमोल सामर्थ्य है। मेरे प्यारे देशवासियों, 75 साल की यात्रा में आशाएं अपेक्षाएं उतार चढ़ाव सब कुछ के बीच में, हर एक के प्रयास में हम जहां तक पहुंच पाए थे पहुंचे थे। और 2014 में देशवासियों ने मुझे दायित्व दिया, आजादी के बाद जन्मा हुआ मैं पहला व्यक्ति था जिसको लाल किले से देशवासियों का गौरवगान करने का अवसर मिला था। लेकिन मेरे दिल में जो भी आप लोगों से सीखा हूं, जितना आप लोगों को जान पाया हूं, मेरे देशवासियों, आपके सुख दुख को समझ पाया हूं, देश की आशा अपेक्षाओं के भीतर वो कौन सी आत्मा बसती है, उसको जितना मैं समझ पाया हूं, उसको लेकर के मैंने अपना पूरा कालखंड देश के उन लोगों को एम्पावर करने में खपाया। मेरे दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, दिव्यांग हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, समुद्र का तट हो, हिमालय की कंदराएं हो, हर कोने में महात्मा गांधी का जो सपना था आखिरी इंसान की चिंता करने का, महात्मा गांधी जी जो आकांक्षा थी अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को समर्थ बनाने की, मैंने अपने आप को उसके लिए समर्पित किया। और उन 8 साल का नतीजा और आजादी के इतने दशकों का अनुभव, आज 75 साल के बाद जब अमृत काल की ओर कदम रख रहे हैं, अमृत काल की यह पहली प्रभात है, तब मैं एक ऐसे सामर्थ्य को देख रहा हूं और जिससे मैं गर्व से भर जाता हूं। देशवासियों, मैं आज देश का सबसे बड़ा सौभाग्य ये देख रहा हूं कि भारत का जनमन आकांक्षी जनमन है, एस्पिरेशनल सोसाइटी किसी भी देश की बहुत बड़ी अमानत होती है। और हमें गर्व है कि आज हिंदुस्तान के हर कोने में, हर समाज के हर वर्ग में, हर तबके में आकांक्षाएं उफान पर है। देश का हर नागरिक चीजें बदलना चाहता है, बदलते देखना चाहता है, लेकिन इंतजार करने को तैयार नहीं है, अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है।
कर्तव्य से जुड़ करके करना चाहता है, वो गति चाहता है, वो प्रगति चाहता है। 75 साल में संजोए हुए सारे सपने अपने ही आंखों के सामने पूरा करने के लिए वो लालायित है, उत्साहित है, उतावला भी है। कुछ लोगों को इसके कारण संकट हो सकता है, क्योंकि जब एस्पिरेशनल सोसाइटी होती है तब सरकारों को भी तलवार की धार पर चलना पड़ता है, सरकारों को भी समय के साथ दौड़ना पड़ता है। और मुझे विश्वास है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था क्यों न हो, हर किसी को इन एस्पिरेशनल सोसाइटी को एड्रेस करना पड़ेगा। उनकी आकांक्षाओं के लिए हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हमारे इस एस्पिरेशनल सोसाइटी ने लंबे अरसे तक इंतजार किया है, लेकिन अब वो अपनी आने वाली पीढ़ी को इंतजार में जीने के लिए मजबूर करने को तैयार नहीं है। और इसलिए ये अमृत काल का पहली प्रभात हमें उस एस्पिरेशनल सोसाइटी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर लेकर के आई है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने पिछले दिनों देखा है, एक और ताकत का हमने अनुभव किया है, और वो है भारत में एक सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ है। एक सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण आजादी के इतने संघर्ष में से जो अमृत था वो अब संजोया जा रहा है, संकलित हो रहा है, संकल्प में परिवर्तित हो रहा है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा जुड़ रही है और सिद्धि का मार्ग नजर आ रहा है। ये चेतना, मैं समझता हूं कि चेतना का जागरण, ये पुनर्जागरण, ये हमारी सबसे बड़ी अमानत है। और ये पुनर्जागरण देखिए, 10 अगस्त तक लोगों को पता तक नहीं होगा शायद कि देश के भीतर कौन सी ताकत है, लेकिन पिछले 3 दिन से जिस प्रकार से तिरंगे झंडे को लेकर के, तिरंगा की यात्रा लेकर के देश चल पड़ा है, बड़े बड़े सोशल साइंस के एक्सपर्ट्स वे भी शायद कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे भीतर के अंदर कितने, मेरे देश के भीतर कितना बड़ा सामर्थ्य है, एक तिरंगे झंडे ने दिखा दिया है। यह पुनर्चेतना, पुनर्जागरण का पल है। ये लोग समझ नहीं पाए हैं, जब देश जनता कर्फ्यू के लिए हिंदुस्तान का हर कोना निकल पड़ता है तब उस चेतना की अनुभूति है। जब देश ताली थाली बजा करके कोरोना वॉरियर के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो जाता है तब चेतना की अनुभूति होती है। जब दिया जला करके कोरोना वॉरियर की शुभकामना देने के लिए देश निकल पड़ता है तब उस चेतना की अनुभूति होती है। दुनिया कोरोना के कालखंड में वैक्सीन लेना या न लेना, वैक्सीन काम का है कि नहीं है, उस उलझन में जी रहा था। उस समय मेरे देश के गांव गरीब भी 200 करोड़ डोज दुनिया को चौंका देने वाला काम करके दिखा देते हैं। यही चेतना है, यही सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य ने आज देश को एक नई ताकत दी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तीसरा एक महत्वपूर्ण सामर्थ्य मैं देख रहा हूं, जैसे एस्पिरेशनल सोसाइटी, जैसे पुनर्जागरण, वैसे ही आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। दोस्तों, विश्व का ये बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन
75 साल की हमारी अनुभव यात्रा का परिणाम है। हम जिस प्रकार से संकल्प लेकर चल पड़े हैं, दुनिया इसे देख रही है और आखिरकार विश्व भी उम्मीदें लेकर के जी रहा है। उम्मीदें पूरे करने का सामर्थ्य कहां पड़ा है वो उसे दिखने लगा है। मैं इसे स्त्री शक्ति के रूप में देखता हूं, तीन सामर्थ्य के रूप में देखता हूं, और ये त्रिशक्ति है एस्पिरेशन की, पुनर्जागरण की और विश्व की उम्मीदों की। और इसे पूरा करने के लिए हम जानते हैं दोस्तों, आज दुनिया में एक विश्वास जगने में मेरे देशवासियों की बहुत बड़ी भूमिका है। 130 करोड़ देशवासियों ने कई दशकों के अनुभव के बाद स्थिर सरकार का महत्व क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता का महत्व क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दुनिया में किस प्रकार के ताकत दिखा सकती है, नीतियों में कैसा सामर्थ्य होता है, उन नीतियों पर विश्व का कैसे भरोसा बनता है, ये भारत ने दिखाया है और दुनिया भी इसे समझ रही है। और हम जब राजनीतिक स्थिरता हो, नीतियों में गतिशीलता हो, निर्णयों में तेजी हो, सर्वव्यापकता हो, सर्वसमावेशकता हो, तो विकास के लिए हर कोई भागीदार बनता है। हमने सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के हम चले थे, लेकिन देखते ही देखते देशवासियों ने सबका विश्वास और सबका प्रयास से उसमें और रंग भर दिए हैं। और इसलिए हमने देखा है हमारी सामूहिक शक्ति को, हमारे सामूहिक सामर्थ्य को हमने देखा है। आजादी का अमृत महोत्सव जिस प्रकार से मनाया गया, जिस प्रकार से हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान चल रहा है, गांव गांव के लोग जुड़ रहे हैं, कार सेवा कर रहे हैं, अपने प्रयत्नों से अपने गांव में जल संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चला रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे गरीबों के कल्याण का काम हो, देश आज पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोग आजादी के अमृत काल में हमारी 75 साल की यात्रा को उसका गौरवगान ही करते रहेंगे, अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। और इसलिए 75 साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही चुनौतियों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद भी आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जब मैं आज मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, उनके सपनों को देखता हूं, उनके संकल्पों की अनुभूति करता हूं, तो साथियों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा, और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा।
और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए।